वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कट द क्रैप करंट अफेयर सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग आपको पूरा मंथली मैगजीन्स जितना भी हो सकता है, मतलब मंथली न्यूज़ या फिर आपको जो भी मंथली कंपाइलेशन आपको चाहिए होते हैं, या कह लीजिए मंथली मैगजीन्स जो चाहिए होते हैं, सब हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। वो भी सिर्फ वो न्यूज़ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आएंगी, और उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए होता है वो सब हम आपको कराएंगे। सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू मेक श्योर। तो सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं अपना रहे पॉलिटी का टॉपिक, पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी, और इसमें अगेन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन परस्पेक्टिव से, कॉन्स्टिट्यूशन ताकि हमारा जो पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो भी कवर हो जाए, फिर गवर्नेंस परस्पेक्टिव, और उसके अलावा पॉलिसी मेकिंग परस्पेक्टिव। ये तीन एंगल हम लोग कवर करेंगे जो कि एक्चुअल में नीडेड होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लोग जो फर्स्ट न्यूज़ आज कवर करने वाले हैं हमारे, अगेन क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं जो आपको एक्चुअली में काम आएंगी, तो इसलिए इसका नोट्स भी साइमल्टेनियसली आप लेते रहिए। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी इलेक्टोरल फंडिंग पे, इलेक्टोरल फंडिंग। ठीक है, अब ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो सबमिट करे डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि भैया जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जो फंडिंग हो रही है वो पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे और कितना मिला है। तो ये ऐसा उन्होंने मांगा है। तो यहाँ पे एक तरह से अकाउंटेबिलिटी का यहाँ पे पर्सपेक्टिव होता है। तो अकाउंटेबिलिटी, जब आपको एथिक्स में क्वेश्चन आता है तो अकाउंटेबिलिटी की जब आप बात करेंगे तब भी आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, तो यहाँ पे हम लोगों को ये सब समझना होगा। तो ये सब डिबेट में हम साइमल्टेनियसली कवर करते हुए चलेंगे कि किस एंगल से हम सोच सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जैसे एडीआर, यानी कि हमारा जो है ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये बहुत अच्छी बॉडी है। ये काफी, मतलब एक्टिविज्म अगर मैं बात करूं तो वो एक्टिविज्म वाली फील्ड में ये बहुत एक्टिव है। तो इन्होंने एक पिटिशन दिया था और कहा था कि भाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये एक तरह से इसका वर्किंग जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं लगता है। तो इस तरह से करप्शन वगैरह के एंगल से इन्होंने ये पिटिशन फाइल किया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो है क्या स्टेटस, क्या है इलेक्टोरल फंडिंग का? तो अगर देखा जाए तो जो डेटा एडीआर ने करा है, तो 69% जो टोटल इनकम होती है पॉलिटिकल पार्टीज की अगर देखा जाए, तो जैसे 2004 से 2014 तक, तो ये अननोन सोर्सेस से रहा है। तो कहीं ना कहीं अननोन सोर्सेस का जो पंगा है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड दे हैव पॉइंटेड इट आउट वेरी वेल। तो कंसर्न क्या है इलेक्टोरल फंडिंग के अराउंड, तो ये हमारे अगेन मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो कंसर्न है क्या? तो सबसे पहला क्या है कंसर्न, कि कहीं ना कहीं जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, यानी डिसरप्ट्स ऑब्लिक डाइल्यूट्स लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि अगर देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो ये जो मनी पावर का जो हमको देख पाता है कि इलेक्शन में जो मनी पावर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो कहीं ना कहीं हमको देखते हैं को मिलता है कि जैसे स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाता ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से, तो वो भी हमको देखने को मिलता है। तो दैट एंगल इज समथिंग दैट इज द फर्स्ट कंसर्न एक्चुअली, तो ये हमको देखने को मिलता है। अब देखिए क्योंकि इस तरह का क्या है, सच फंडिंग से क्या होता है, ब्लैक मनी में राइज होता है। तो ब्लैक मनी, ठीक है, एक तरह से डाइवर्जन हो रहा है ब्लैक मनी का, तो वो वाला हमें एंगल देखने को मिलता है। ब्लैक मनी है तो क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हमको देखने को मिलता है। देखिए साइकिल समझिए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, तो ये आ जाता है। फिर इसके अलावा क्या है, तो ये जो कैश ट्रांजैक्शन हमारा बढ़ रहा है, तो इलेक्टोरल फंडिंग क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ओनली। तो इससे क्या है कि किस तरह से क्या सोर्सेज ऑफ फंड है, किस तरह से है, ये हमको समझ में नहीं आ पाता है, ट्रेस नहीं हो पाता है। अगर हमको पेक्यूलैरिटीज पता हूँ कि किस तरह से बॉन्ड स्कीम बन रहा है, जैसे कि करेंटली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज दे डू नॉट हैव टू डिस्क्लोज ऑल डोनेशन बिलो 20,000, तो पार्टीज डू नॉट
डिस्क्लोज, डोनेशंस, बिलो 20,000। तो ये पेक्यूलैरिटी है, ये हमारे प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि कितने अमाउंट के नीचे वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वैसे तो अब ये न्यूज़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ही काफी है, तो सबको पता है, बट क्योंकि ये मेन पर्सपेक्टिव सब ज्यादा रेलिवेंट है, बट फिर भी आपको हल्का सा अमाउंट का आइडिया होना चाहिए। अब 20,000 से नीचे का वो लोग करते नहीं, तो क्या जो इनको करप्शन करना है, क्या वो 20,000 से छोटे छोटे पैकेट्स नहीं बना देंगे? 20,000 20,000 20,000 के पैकेट्स बना के आपको दे देंगे, फंडिंग हो रही है, आपको सोर्स भी नहीं देना, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी, समझ रहे हैं? तो ये हो जाता है। एक इसके अलावा हमको देखने को क्या मिलता है, नेक्सस, नेक्सस बिटवीन कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्योंकि देखिए, ये पैसा फंडिंग कौन दे रहा है, ये दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आगे पॉलिसी पावर में आएगी तो वो बिजनेसमैन को सपोर्ट करेगी, तो ये वाला एंगल भी हमको देखने को मिलता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्चुअल में है क्या, हल्का सा यहाँ पे लोगों को क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या, तो ये है एक इंटरेस्ट फ्री बियरर बॉन्ड्स, या फिर इंस्ट्रूमेंट कह लो, जो कि कंपनीज खरीद सकती हैं, विच कैन बी परचेज बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं इन इंडिया फ्रॉम द ब्रांचेस, द ऑथोराइज ब्रांचेस ऑफ, मतलब एक ही बैंक को यहाँ पे वो करा गया, तो SBI, SBI में आप जाके, मतलब इस तरह के ब्रांचेस में जाके, उनके ऑथोराइज जो ब्रांचेस होगी वहां पे आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में आपको इन्वेस्ट करना है आप कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे किस मल्टीपल में होता है, तो 1,000 10,000 1 लाख 10 लाख इस तरह से, तो 10 10,000 के बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो अगेन इन्फॉर्मेशन नहीं आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, 20,000 से कम का अमाउंट है तो, ठीक है, तो इस तरह से आपको करता है। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई कैप नहीं है, देर इज नो कैप, नो कैप ऑन नंबर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स दैट अ पर्सन और अ कंपनी कैन परचेज। मतलब मैं 10 बॉन्ड्स खरीद लूँ, 20 20,000 के 10 बॉन्ड्स खरीद लूँ, ठीक है, मैं 1 लाख का करूंगी तो भैया मेरे को उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैंने दिया है, पर वहीं पर मैं आपको 20 20,000 के खरीद लूंगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं डिस्क्लोज करना है, दे तो मैं 1 लाख रुपए रही हूँ ना। तो ये समझ रहे हैं आप लोचा, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द लोचास, ठीक है, बींग अ पॉलिसी मेकर यू हैव टू अंडरस्टैंड द लोचास दैट कैन हैपन एंड द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अराउंड इट, यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई। ओके, तो ये हो गया है। और अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे तो उसका आइडिया क्या था, कि एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है क्योंकि एक बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है, फिर आइडेंटिटी, तो पॉजिटिव्स क्या थे, पॉजिटिव्स थे ट्रांसपेरेंसी एज थ्रू बैंकिंग चैनल, ये दिया गया था। अगर आप अरुण जेटली की डिबेट सुनिए तो जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आपको पता लगेगा, ठीक है, थ्रू बैंकिंग चैनल आपको देखने को मिला था। सेकंड क्या था, कि जो इंफॉर्मेशन है डोनर की वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कि भैया कोई मतलब ये ना कह पाए कि उस आदमी ने उधर इन्वेस्ट किया है, आपने मेरे को नहीं दिया, मैं आपके अब फेवर नहीं करूंगा, ऐसा आर्गुमेंट भी दिया गया था। पर बात है कि लूपोल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन पता लग जाती है, जैसे SBI और बहुत सारे मतलब लूपोल्स हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट डिबेट, बट देयर इज दिस लूपोल दैट एग्जिस्ट एक्चुअली। तो इस तरह के पॉजिटिव ये थे, कंसर्न्स क्या है, तो वही ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन ही आ जाता है कि कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स ऑफ फंड है, फिर सिटीजन का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आर्टिकल 19 के अराउंड वो नहीं हमको पता लग रहा, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। फिर शेल कंपनीज, तो यहाँ पे आप एक ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, शेल कंपनीज का फोर्थ पॉइंट क्या है, शेल कंपनीज बनाई जाती हैं, शेल कंपनीज होती है जो कंपनी एक्चुअली में नहीं होती, बस नाम के लिए बना दी जाती है, कुछ कुछ उल्टा उठ पटांग काम करने के लिए, ठीक है, तो वो हो जाता है। तो यहाँ पर शेल कंपनीज का भी एलिमेंट आपको आता है समझ में। तो ये हमारा हो गया एनालिसिस, कि भैया क्या पॉजिटिव, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, उसके क्या पॉजिटिव हैं, उसमें क्या क्रिटिसिज्म हैं, और रिसेंट क्या न्यूज रही है।
तो इसके अलावा क्या है, इसमें आप वे फॉरवर्ड पे क्या लिख सकते हैं कि आपको जब अपना खुद का अप्रोच बनाना है, तो अगेन वे वे क्या है, तो सबसे पहले तो जैसे कि ये आप कह सकते हैं कि कैसे ट्रांसपेरेंसी करें, तो जैसे डिटेल्स जो डोनर्स की हैं ये पब्लिक स्क्रूटनी में होनी चाहिए, तो अगेन ट्रांसपेरेंसी, जैसे आरटीआई वगैरह हो गया, जैसे ना कंपनी कंट्रीज लाइक नेपाल या फिर यूएसए जापान में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, तो आरटीआई वगैरह में हमको होना चाहिए भैया। सेकेंड चीज़ हम क्या कह सकते हैं कि कुछ कमिटीज आई थी, ठीक है, कमिटीज जैसे कि इंद्रजीत, ये गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, इंद्रजीत गुप्ता कमिटी कब आई थी, तो 1998 में आई थी, और इन्होंने क्या कहा था कि भैया एक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे जो रिपोर्ट्स होती है ना, तो वो भी हमारे लिए वहाँ पे भी एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने कहा था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन की, ताकि सारी पार्टीज के पास लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मतलब जो इलेक्शन का सारा खर्चा होना चाहिए फ्रॉम द स्टेट ओनली, ताकि एक तरह से ऐसा ना हो कि मतलब मनी पावर का एक तरह से रोल खत्म हो, तो ये होता है। एंड इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी अंडर आरटीआई, अभी आरटीआई के अंदर पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है, तो पर आपको ये लिखना चाहिए कि नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अंडर आरटीआई, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या चल रहा है, किस तरह से उनका वर्किंग है, क्या डेमोक्रेसी है कि नहीं है, ये सब हम लोग बात कर सकें। तो ये भी एक तरह से इसी एक पॉइंट में आपने अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को भी रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सिंपल रखिए, दो ही पॉइंट्स में दे रही हूँ बस, फालतू के पॉइंट बहुत सारे बन सकते हैं, पर जो ट्रांसपेरेंट पॉइंट्स हैं, जो एसेंशियली ये नंबर देते हैं, वो यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला न्यूज़ भी हो गया। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो और कौन सी आपको लगता है कि इस महीने में इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही होगी फ्रॉम पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू? तो देखिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही थी मार्केट में, यानी कि न्यूज़पेपर्स में, एंड वो थी हमारी क्या, रोल ऑफ गवर्नर। देखिए, रिपीटेटिवली मेंस में और प्रीलिम्स में गवर्नर के अराउंड क्वेश्चंस आए हुए हैं, रोल ऑफ गवर्नर पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था मेंस में, तो प्लीज इसको एक तरह से अच्छे से आपको करना ही करना है। तो रिसेंटली केरला, पंजाब और तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट गए थे अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव गवर्नर ओवर द पेंडिंग बिल्स, कि भैया ये बिल ही नहीं पास करके, क्योंकि गवर्नर माना जाता है कि इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, वैसे तो एजेंट नहीं होता है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए, बट पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं भैया वो वहीं से काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नर का एक तरह से डुअल रोल होता है, डुअल रोल, ही इज एक्चुअली अ वन हु इज द लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट की वर्किंग को भी, हेड ऑफ द स्टेट भी वो एक तरह से है। तो वहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम क्या हो जाती है डुअल रोल से, कि द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन ऑफ द वर्किंग अराइजेस, तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं क्या गवर्नर के अराउंड, तो आर्टिकल 200 हमारा अगर देखें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 200 देखा जाए तो वहां पे बात किया जाता है कि देखिए असेंट, जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी होता है ना, वैसे ही 200 आर्टिकल के अराउंड ये बात की गई है कि गवर्नर का असेंट जरूरी है फॉर अ बिल टू बिकम अ लॉ, ठीक है। तो इसी में ही अगर हम देखें तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अगर वो असेंट दे देता है तो वो लॉ बन जाता है, असेंट नहीं देता है तो वो लॉ नहीं बनेगा, वहीं पे वो रिटर्न कर देता है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर को, तो क्या होता है, तो इफ द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस द बिल इन द ओरिजिनल शेप और इन अ मॉडिफाइड शेप द गवर्नर हैज टू असेंट द री इनेक्टेड बिल, एक ये बात हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ एवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी टाइम लिमिट विद इन विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल वाली बात है, पर लिखा नहीं है कि किस टाइम फ्रेम में, बट हाँ अगर उन्होंने एक तरह से रिटर्न कर दिया है
फॉर द रिकंसिडरेशन की भैया एक बार फिर से रिकंसिडर कर दो, और वो ओके मॉडिफाइड फॉर्म में जैसे भी आ जाए तो उसको हैज टू गिव असेंट हो जाता है, जैसे कि सेंटर पे भी यही बात है लागू। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है गवर्नर। ठीक है, ये गवर्नर के स्पेशल उसमें आ जाता है। तो रिजर्व करता तो क्या होता है, तो प्रेसिडेंट या तो दे दे असेंट या ना दे या फिर विदहोल्ड कर दे। ठीक है, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं हो सकता कि भैया देना ही है, प्रेसिडेंट पे कोई वो नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, गवर्नर को डायरेक्ट कर दे क्या कि भैया रिटर्न कर दो बिल, रिटर्न द बिल। और अगर ऐसा बिल फिर से मतलब री एनैक्ट हो जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद और विदाउट अमेंडमेंट इज प्रोजेक्टेड अगेन टू द प्रेसिडेंट, अगेन टू प्रेसिडेंट। मतलब फिर उसके पास नहीं जाएगा, गवर्नर के पास। जैसे कि प्रेसिडेंट ने कह दिया कि भैया ये जो बिल आपने अभी रिजर्व किया था मेरे लिए, इसको फिर से स्टेट लेजिस्लेचर वापस भेजो, और स्टेट लेजिस्लेचर देखते हैं क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर उसको मॉडिफाई करे या जो करे, वो वापस किसके पास आएगा, तो प्रेसिडेंट के पास आएगा, ना कि गवर्नर के पास आएगा। ठीक है, तो ये भी किस तरह से रिजर्विंग होता है, ये क्रिटिकलिटीज भी आपको समझनी होगी। तो रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, तो इन वन सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी, दैट इज जब बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को में डेंजर करती हो, यानी कि स्टेट हाई कोर्ट कोई ऐसा बिल हो जो स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को ही मतलब एंडेंजर कर दे, तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व होगा ही होगा, गवर्नर को कहना ही होगा कि वो गवर्नर भैया कह देंगे कि ये बिल रिजर्व है फॉर द प्रेसिडेंट, या फिर वो अल्ट्रा वायरस हो, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो इन सब में भी वो रिजर्व कर सकते हैं, या डीपीएसपी के अगेंस्ट हो, या मतलब कंट्री के किसी लार्जर इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इस तरह से भी होता है। बट जब वजह से हाई कोर्ट की पोजीशन को डाबोडोल कर रहा है वो बिल, तो वो तो रिजर्व करना ही करना है, तो दैट्स देयर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं गवर्नर की, इसीलिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए तो सारे कॉन्ट्रीब्यूशन वो होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं? ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स ये हैं आर्टिकल 163 में। तो 163 क्या कहता है, ये कहता है कि दैट एक्सेप्ट व्हेन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शन इन हिज और हर डिस्क्रिशन, द गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एड एंड एडवाइस इज बाउंड है, बट कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे रखी है, और ये गवर्नर के स्पेस मतलब उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए यहाँ पूरा कॉन्ट्रोवर्सी के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है, वेदर गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट हिज इन हिज और हर डिस्क्रिप्शन, जो डिसीजन है डिस्क्रिप्शन में करना है कि नहीं, तो डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल, कि वो बताएगा कि भैया उसने कह दिया कि ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसी का डिसीजन जो है वो फाइनल है कि हाँ ये इसका डिस्क्रिशन है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिशन जो है, ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और बहुत सारी हो जाती है, मतलब एक तरह से ब्लैंकेट है ये, समझ गए, एक रजाई है जिसके अंदर मतलब बहुत कुछ आ सकता है, बहुत सारा स्पेस है, तो दैट्स देयर। अब रीसेंट जजमेंट्स क्या हुई हैं ऑन द रोल ऑफ गवर्नर, ये भी आपको जानना होगा, तो जजमेंट्स भी हम लोग यहाँ पे करेंगे कवर। तो जजमेंट्स सबसे पहला और इम्पोर्टेंट केस तो मैं यहाँ पे लेके आऊंगी, कौन सा, एस आर बोमई केस का, बोमई केस जो हुआ कब था, 1994 में। तो इसमें क्या था कि कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर का पावर है शुड बी एक्सरसाइज इन गवर्नर पावर, जो है वो एक्सरसाइज कब करना चाहिए, ये नहीं कि हर चीज को डिस्क्रिशन में कर ले, बल्कि रेयर केसेस में ही करना चाहिए। तो दैट इज देयर एंड दैट द सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर शुड बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोर्ट ने अपने उसमें ले आया एम्बिट में। ठीक है, तो एक तो मतलब रेयर तरीके से करो, ये नहीं कि आप हर चीज को कह दो ये मेरा डिस्क्रिशन है, अपनी मतलब की तानाशाही मत चलाइए, सेकेंड चीज जुडिशियल रिव्यू में होगा कि हमने कैसा काम किया है, तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो जैसे तमिलनाडु गवर्नर केस 2023 में हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया क्या, कि द गवर्नर कैन नॉट रेफर द बिल्स टू द प्रेसिडेंट आफ्टर द असेंबली हैज री एनेक्टेड द बिल्स फॉर
फॉलोइंग द गवर्नर्स डिक्लेरेशन ऑफ विथहोल्डिंग द असेंट। तो इस तरह से भी मतलब कहीं ना कहीं देखिए, इस जजमेंट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं गवर्नर के रोल को भी लिमिट करने की यहाँ पे बात करी गई है। तो इससे पहले भी कमिटीज भी बहुत बनी है, जजमेंट्स भी बहुत आई हैं, और उसमें ये सब बात की गई है। तो इस तरह से इश्यूज काफी रहे। तो इश्यूज एग्जैक्टली रहे क्या है, तो इश्यूज भी आपको समझना जरूरी है। तो इश्यूज नंबर वन क्या है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल बायस कह लीजिए, वो हमको देखने को मिलता है। तो वो चीज हो गया। सेकेंड चीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमको देखने को मिलता है बिटवीन गवर्नर और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा, डेडलॉक होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी होगी, ये हमको देखने को मिलता है। थर्ड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह का क्या प्रॉब्लम है, जुडिशरी, क्योंकि सारे केसेस जुडिशरी पे जाते हैं, तो जुडिशरी पे बर्डन हो जाता है। ठीक है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें अगेन आपको कुछ रिकमेंडेशंस लिखनी होंगी, रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, सरकारिया कमीशन ने क्या कहा है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है तो आपको लिखना होगा ही होगा। तो सरकारिया कमीशन ने क्या कहा है कि ओनली इन द रेयर रेयर सर्कमस्टांसेस गवर्नर को अपना डिस्क्रिशन यूज करना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज में, जैसे कि एसआर बोमई केस में भी कहा गया, वैसे ही यहाँ पे भी कहा गया कि ये नहीं कि हर चीज में आप कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केसेस में अगर देखा जाए तो गवर्नर मस्ट डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 एज पर द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। गवर्नर अपॉइंटी शुड बी डिटैच्ड आउटसाइडर। ये नहीं कि भैया कि वो किसी एक्टिवली मतलब पॉलिटिकल पार्टी से मत उठाइए गवर्नर को, एक डिटैच्ड फिगर होना चाहिए ताकि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करें। ठीक है, एंड ही शुड नॉट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट एक्ट एज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो कह ले वैसे नहीं, थोड़ा सा न्यूट्रल तरीके से काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें सरकारिया कमीशन ने कही हैं। ठीक है, पंछी कमीशन आई, पंछी कमीशन, इन्होंने क्या कहा, सेम इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर शुड टेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू अ बिल प्रेजेंटेड टू हिम और हर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ऐसा उन्होंने कहा था कि भैया एक कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए डिसीजन लेने का, तो वो करा इन्होंने। तो टाइम फ्रेम की बात की जिसमें विद इन विच गवर्नर डिसाइड्स कि इसको क्या करना है, तो ये होना चाहिए। सेकेंड इन्होंने क्या कहा पंछी कमीशन ने कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए, जैसा सरकारी कमीशन ने भी कहा था। थर्ड इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर का जो है टर्म जो होता है वो फिक्स्ड फिक्स्ड 5 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, फिक्स 5 ईयर्स एंड द रिमूवल शुड बी थ्रू अ रिजोल्यूशन पास बाय द एंड रिमूवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर का रिजोल्यूशन। मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कभी भी रिमूव कर दिया जा रहा है, एजेंट ना बन के रह जाए, बल्कि एक प्रोसेस होना चाहिए जिसमें वो कैसे रिमूव हो, थ्रू द स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर का रेजोल्यूशन। तो ये कहा कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम फ्रेम फिक्स 5 ईयर्स रेजोल्यूशन, ये सब बातें पंची कमीशन ने कही। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो एक और इम्पोर्टेंट कमेटी आई थी जो थी वेंकट चलिया कमेटी। इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर शुड मेक यूज ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो COM एडवाइस पे ही काम करना चाहिए इन डे टू डे, ये नहीं कि हर चीज में अपना डिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं, अपना टांग अड़ा रहे हैं, इन अदर वर्ड। तो ये हमारा
गवर्नर का भी टॉपिक हो गया है, 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, तो इसीलिए जानना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारे गवर्नर। तो डुअल रोल की हमने बात कर ली, आर्टिकल 200 की पेक्युलैरिटीज हमने समझ ली, डिस्क्रिशनरी पावर की बात कर ली, जजमेंट मैसार बोमाई केस हमने कर लिया, इश्यूज क्या है वो कर लिए, रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन एंड वेंकट चलिया कमीशन की भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है। नेक्स्ट अगर मैं न्यूज करूँ तो क्या है, तो स्पेशल एंड लोकल लॉज इस पे न्यूज आई हुई है। ठीक है, स्पेशल एंड लोकल लॉज। तो अगर हम देखें तो रिसेंटली कुछ बिल्स लाए गए हैं ऑन क्रिमिनल लॉज, हैज केप्ट स्पेशल एंड लोकल लॉज अवे फ्रॉम द ऑनगोइंग रिफॉर्म प्रोसेस। तो स्पेशल लॉ होता क्या है, पहले तो ये डेफिनेशन कर लो, स्पेशल लॉ है क्या। स्पेशल लॉ होता है वो लॉ जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हो, कवर कर रहा हो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज, तो स्पेसिफिक इश्यूज। स्पेसिफिक इश्यूज जैसे कि अगेन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो स्पेशल लॉ हो गया एक तरह से। और वहीं पे अगर मैं बात करूं लोकल लॉ क्या होता है, ठीक है, लोकल लॉ क्या होता है, वो लॉ जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हो, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि मुंबई का कोई लॉ हो, गुजरात का कोई लॉ हो, तो उस तरह से होता है। तो यहाँ पर अब इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स इंपॉर्टेंट होती हैं, वो क्या है, जैसे कॉग्नाइजेबल, कॉग्नाइजेबल, कॉग्नाइजेबल क्राइम्स क्या होते हैं। तो कॉग्नाइजेबल क्राइम्स क्या होते हैं, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज एज दोज फॉलिंग इधर अंडर IPC यानी इंडियन पीनल कोड, और अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉज। तो ये डेफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे डिबेट है तो आपको पता होना चाहिए। अब ये ना कह दें कि वो कॉग्नाइजेबल वो होते हैं जो आईपीसी के अंदर आते हैं, नहीं, स्पेशल और लोकल लॉज वाले भी कॉग्नाइजेबल होंगे। तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता क्या है, इट इज दैट विच एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मे इन्वेस्टिगेट, मे इन्वेस्टिगेट मे इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी वो कर सकता है, यानी कि कुछ ग्रेव होना चाहिए। ठीक है, मजिस्ट्रेट एंड अरेस्ट, अरेस्ट तक भी हो सकता है वो इंसान विदाउट वारंट। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना टीवी सीरियल में कि भैया आप अरेस्ट करना है, वारंट कहाँ है। तो यहाँ पे बिना वारंट के भी अरेस्ट हो सकते हैं, यानी कि ये ग्रेव, कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस आर ग्रेव इन नेचर। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, एनी गिवन डे ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि टर्म यूज हो चुकी है, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है स्पेशल लॉस या लोकल लॉस की, तो देखिए जो केस रजिस्ट्रेशन है वो हमारे यहाँ पे बड़े हैं, केसेस बनते हैं इनके अंदर, फिर एफिशिएंसी आती है जैसे इन्फोर्समेंट में। जैसे स्पेशल लॉ क्या है, दे एनेबल लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज टू फोकस ऑन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे कि नार्कोटिक्स एक्ट हो गया, तो वो हो गया। तो पॉजिटिव्स क्या है, पॉजिटिव्स ऑफ स्पेशल एंड लोकल लॉज। तो सबसे पहला पॉजिटिव क्या है कि एफिशिएंसी आ जाती है, एफिशिएंसी इन एनफोर्समेंट। ठीक है, एफिशिएंसी इन एनफोर्समेंट आ जाता है, क्यों, क्योंकि अगेन स्पेशल सब्जेक्ट्स, स्पेशल सब्जेक्ट्स जैसे कि एग्जांपल आ गया आपका क्या, नार्कोटिक्स, उस पे एक स्पेशल लॉ है, तो उसको एक तरह से करने में मदद आ जाता है। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखा जाए तो वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्शन करने के लिए, सेक्शन के राइट्स के बारे में, तो वहां पे आ गया, जैसे कि अगेन आपके लॉज हो गए क्या, पॉक्सो एक्ट, तो अगेन वेमेन
आइडिया ऑफ सेक्सुअलिटी, तो इन सब के ऊपर यहाँ पर हमारे पास स्पेशल लॉ है। थर्ड पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, जैसे साइबर क्राइम आ गया हमारे पास, तो उस पर आ गया हमारा आईटी एक्ट 2000। तो इस तरह से भी हमको एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रहा होता है हमको पता लगता है, तो उस हिसाब से स्पेशल लॉज बनते जाते हैं। तो इसीलिए इन पे रिफॉर्म्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक बार बन गया है 2000 का है, पर रिफॉर्म तो ज़रूरी है ना। तो इसीलिए हमें ये बात भी करनी है, क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली मेजर रिफॉर्म सिस्टम हुआ है, हमारा आईपीसी, हमारा सीआरपीसी, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब के सब रिफॉर्म हुए हैं, मेजर रिफॉर्म हुआ है। ये भी हमने अपने यूट्यूब पे करा रखा है। तो उसमें अगेन कवर क्या नहीं हुआ है, हमारे जो स्पेशल लॉज हैं और लोकल लॉज हैं उनको इस रिफॉर्म प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया गया है। और मैंने आपको एग्जाम्पल देखी, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, हमारा आईटी एक्ट हो गया, हमारा नार्कोटिक्स एक्ट हो गया, इन सब में रिफॉर्म नहीं हुए हैं। तो इसीलिए नीड है, तो देयर इज दस अ वेरी मच नीड फॉर रिफॉर्म्स। ठीक है, नीड तो बहुत है हमारे पास। अब नीड क्यों है, कि देखिए पहली बात तो अनक्लियर है, अनक्लियर स्टेटमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, या फिर टेररिस्ट एक्ट क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है, तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह से भी हमको प्रॉब्लम होती है, अनक्लियर डेफिनेशन, फिर कंफ्यूजन एरियाज बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर इन पॉक्सो एक्ट की ही अगर आप बात कर लीजिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको काफी आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, जिसमें इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि हाउ एंड व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी टू कंसेंशुअल, जो कंसेंट कर रहे हो, कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज बिटवीन माइनर्स। माइनर्स के बीच में अगर कंसेंशुअल एक्टिविटीज है, विल इट स्टिल बी टेकन एज रेप। तो यहाँ पे ये सब जो डिबेट्स हैं, न्यू इमर्जिंग डिबेट्स हैं, इनको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है। तो वी हैव टू हैव अ क्लैरिटी, क्लैरिटी हो गया तो ये हमको देखना जरूरी है। फिर अगेन थर्ड बात आप करेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो हम बात करते हैं, जिसपे 2023 प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, कि एक तरह से जो लॉ का वर्ड्स है वो प्लस जो हमारे रैशनल प्रिंसिपल्स हैं, जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, उन हिसाब से तो रैशनैलिटी, इन सब को मद्देनजर रखा जाएगा, तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको ड्यू प्रोसेस को डाइल्यूट किया जा रहा है। अब जैसे कि ये जो हमारा जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें बहुत सारा स्कोप है फॉर वॉलेशन, तो वो चीज़ जो होती है, या फिर पुलिस बहुत ज़्यादा, मतलब कि या फिर स्टेट अथॉरिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से इसको यूज़ कर सकती है, इसका मिस यूज़ हो सकता है, तो वो ड्यू प्रोसेस भी हमारा कहाँ है। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस कहाँ है, तो ये हमको बात करनी होगी। तो इस तरह से तो ड्यू प्रोसेस नहीं है, कॉन्फ्यूजन एग्जिस्ट करता है, डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तो इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है। इस तरह से आप बात जरूर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये वाला न्यूज भी कवर हो गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज क्या है, आरटीआई पे बहुत सारे हमारे वो आ रहे थे, आर्टिकल्स आ रहे थे, तो आरटीआई एक्ट पे भी हम लोगों को बात करनी होगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को टू फिल द वैकेंसीज इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो क्या चेंजेस हुए थे ये सब हमको आज समझना होगा। एक ही जगह हम लोग समझ लेंगे, मतलब एवरी ऑल्टरनेटिव डे आप पे आरटीआई पे एक आर्टिकल होता है, तो वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया आरटीआई एक्ट में अगर देखा जाए तो इतनी सारी वैकेंसीज क्यों एग्जिस्ट कर रही है, काम आप पे इतना है और आप इनकी पोस्ट भर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो ये वैकेंसीज बहुत एग्जिस्ट कर रही हैं, इसकी वजह से क्या डिले होता है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हो रहा होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा जो सीआईसी, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट हुआ था,
2019 में। तो यहाँ पे क्या है, तो सीआईसी जो कि एक स्टैचुटरी बॉडी है हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ स्टैचुटरी बॉडी अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है इस कमीशन का, दैट एक्सटेंड्स टू ऑल सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज। बट जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर ले ली और उन्होंने कहा कि हम नोटिफाई करेंगे द टर्म एंड सैलरी ऑफ सीआईसी एंड आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी और वो कितने दिन तक काम करेंगे ये हम नोटिफाई करेंगे थ्रू रूल। जब भैया आपका कितने दिन तक आप काम करने वाले हैं और क्या सैलरी होने वाली है तो वो एक अथॉरिटी डिसाइड करे, तो क्या आप उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा जाना चाहेंगे? विल यू गो अगेंस्ट योर बॉस? तो दैट कल्चर, दैट पॉलिटिक्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये चीज हमारी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। जैसे कि आरटीई एक्ट जो पहले था 2005 में उसमें फिक्स टर्म था, बट उसको अमेंड कर दिया गया और डिस्क्रिप्शन अब किसका हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे ये लूपोल एग्जिस्ट करता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। यानी 2019 तक का भी करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर। लोग कहते हैं ना कि भैया आज आप यूपीएससी 1 साल का नहीं बल्कि 3 साल का करता है, ऐसे तो पूछता है, यही सब आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आरटीई एक्ट होता क्या है, देखिए आरटीई एक्ट की बात करिए, आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट होता क्या है, इसमें क्या है, कोई भी एनी इंडियन सिटीजन, तो इंडियन सिटीजन जो है वो इंफॉर्मेशन जानने के लिए कह सकता है, विच इज सपोज टू बी अ पब्लिक नॉलेज फ्रॉम ऑफिस एंड गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सीक करने का यहाँ पे राइट हमको मिलता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि बात की जाती है, इसको आप कैसे आर्टिकल 19 से कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पर यहाँ पे स्पीच और एक्सप्रेशन तभी गुड होगा जब आपके पास आरटीआई होगा, तो ये एक दूसरे को पावर करते हैं। ठीक है, आगे से इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप स्पीच कैसे देंगे, तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द आइडिया ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, ये सारी डिबेट्स भी हमारे पास आ जाती है। सो व्हाट इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट? तो इट इज डीओपीटी। नोडल एजेंसी क्या है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट? तो डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो ये है, तो की प्रोविजन क्या है आरटीआई एक्ट की प्रोविजन में अगर मैं आऊँ, अभी तक तो हमने डेफिनेशन करी है। की प्रोविजन में सबसे पहला क्या है, सेक्शन 2H, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में कॉन्टिन्यूसली बना रहता है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको आरटीआई पे भी बात करी हुई है। तो पब्लिक अथॉरिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी क्या है, इट मींस एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई नोटिफिकेशन से बनाया गया है। तो इसमें एक तरह से मतलब कि वाइड डेफिनेशन रखने को मिली है, बट काफी ऐसी इंस्टीट्यूशंस है अब जैसे पब्लिक अथॉरिटी, जो कि पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं आती बट है वो पब्लिक अथॉरिटी। अब जैसे अगेन, यू कैन नॉट सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी, तो दैट काइंड ऑफ लूपहोल दैट एग्जिस्ट, तो ये हमारा आता है। तो पब्लिक अथॉरिटी काफी वाइड डेफिनेशन है, बट स्टिल इट डज नॉट एनकम्पास एवरीथिंग, एवरी एंटिटी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, तो ये चीज हमारा आ जाता है। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द लूपोल्स दैट आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, कि ये कैसे हो रहा है या फिर किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे एग्जेम्पशंस क्या हैं, ये भी एग्जेम्पशंस भी समझ लो, एग्जेम्पशंस अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो एग्जेम्पशंस क्या, तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने थ्रू डीओपीटी का एक नोटिफिकेशन कहा कि यहाँ पे एग्जेम्पशन है किसको, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को एग्जेम्प्ट कर दिया है, CERTN को। ठीक है, अब ये जो बॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है,
यहाँ पे मतलब जो डेटाबेस सारा मेंटेन करने का इनका काम होता है, आप पढ़ लीजिए सर्टेन के बारे में, तो ये नहीं है, दे आर एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई रिव्यू। क्यों, क्या रीजन है, क्या रैशनैलिटी है इस तरह की बातों का? तो ये चीज जो है, ये एग्जेम्पशन जो है यहाँ पे, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टॉक अबाउट। सो सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई एक्ट सेज दैट द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो वो भी हमको कहीं ना कहीं पता है। तो ये तो चलो चीज समझ में आता है, क्योंकि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन हर आदमी को हम नहीं दे सकते हैं। हाउ यू इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायोलेशन शेल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है? एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का कोई केस है तो उस पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है? वैसे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी आरटीआई एम्बिट में नहीं आती हैं, तो यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे कि सेकेंड स्केड्यूल में क्या आ गया है, तो इट इंक्लूड सेकेंड स्केड्यूल, मतलब कि सेकेंड स्केड्यूल यानी कि जो एग्जेम्पशन वाला स्केड्यूल है इसमें, यानी कि हमारा रॉ, आईबी, ये सब नहीं आता है, ये एग्जेम्प्टेड है, ठीक है? इसके अलावा क्या है, तो एक और इम्पोर्टेंट एरिया है जो है सेक्शन 8(1). अब ये देखिए, ये सब मैं आपको इतना डिटेल में क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये हमारी रिपोर्ट्स में जो हमारी रिफॉर्म्स रिपोर्ट आई हुई हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट, ये पूरे चैप्टर है, तो वो मैं आपको यहाँ पे कवर करा दे रही हूँ, जो हमारे को एथिक्स और हमारी को गवर्नेंस में पढ़ना होता है। तो सेक्शन 8(1) की बात करें, यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि अगेन सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी से कोई रिलेटेड हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हो, तो ये सब नहीं आएगा। तो सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी, अब ये बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं, इसके क्वेश्चन में ना आप कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन हटा सकते हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हो जाए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही हो, या प्रिविलेज वाली हो, जो प्रिविलेज को वॉयलेट कर रही हो, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को वॉयलेट कर रहा हो, या फिर कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह हो, तो इस तरह के, या कोई किसी तरह का जो जैसे फॉरेन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो फॉरेन गवर्नमेंट, तो ये सब चीज़ें आप नहीं ले सकते हैं, ये सारी बातें की गई। इसके अलावा भी बहुत है कि कोई किसी सेफ्टी को हैम्पर कर रहा हो, तो इस तरह से हो जाए, तो क्रिटिकल एरिया से आप समझ जाइएगा, तो वहाँ पे ये सब कवर्ड है, एक तरह स्कोप बहुत है। तो कंसर्न्स इसके अराउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। कंसर्न्स कैसे हो गया, तो कंसर्न्स में आ जाता है कि अब जब आप वैकेंसी ही नहीं पूरी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टाफ एफिशिएंसी ये सब आ गया, पेंडेंसी एंड डिलेज, ये सब आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए वैकेंसीज को पूरा करिए, प्लस द आइडिया ऑफ अवेयरनेस कि किस तरह से आरटीआई फंक्शन करता है ये हो जी क्या, फिर विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने का आइडिया होना चाहिए, वो डिबेट भी आप लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पे, तो ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो हमको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, प्रीलिम्स में और मेंस में, प्रीलिम्स में तो हर साल इस एरिया से क्वेश्चन आता ही आता है, और मेंस में भी ये टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कैसे हैंडल करना है, और मतलब उसके अराउंड क्या करेंट अफेयर चल रहा है, कैसे सबको हम लोगों ने एक साथ लेके आए हैं। तो बिहार कैबिनेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिहार कैबिनेट की अगर हम बात करें, तो बिहार कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और रिक्वेस्ट किया है सेंटर को कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए बिहार को। तो बिहार क्यों कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मांग? तो सबसे पहले तो अगेन द आइडिया ऑफ पावर्टी एंड बैकवर्डनेस जो हमको स्टेट में देखने को मिलता है, अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के हिसाब से भी बिहार का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफ़ी नीचे रहा है, तो अगेन वहाँ पे फोकस की ज़रूरत है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। रेगुलर फ्लड्स वगैरह वहाँ पे जो आती रहती हैं, या फिर हम देखें तो जिस तरह से जो बॉयफिकेशन हुआ है स्टेट का, जिसमें
झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो हमको झारखंड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस स्टेट का, बिहार स्टेट का जो अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, उसमें कमी आई है। तो बिहार की तरह उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये सब जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्या, तो व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, है क्या ये चीज? ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो एक क्लासिफिकेशन है जो कि ग्रांट कौन करता है, ग्रांटेड बाय सेंटर, कि भैया हमको जो डेवलपमेंट करनी है अपनी स्टेट की, मतलब हम लोगों का इतना अच्छा नहीं है परफॉर्मेंस क्योंकि हम लोगों के पास काफी चैलेंजेस हैं, तो इसीलिए हम पे स्पेशल फोकस किया जाए। तो इस तरह से सेंटर जो है वो ग्रांट करता है। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। तो ये अगेन फाइनेंस कमीशन पे अगर देखा जाए तो मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर ही आया था, तो अगेन कंपेयर करना था। तो 14th फाइनेंस कमीशन का क्या पॉइंट्स था, वो सबसे आपको कंपेयर करना था अपनी फाइनेंस कमीशन के ऊपर पॉइंट्स लिखने थे, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है। तो 5th फाइनेंस कमीशन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा था कि भैया जो डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं तो उनको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जिनको ज़रूरत है उनको आप प्रेफर करें, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें, इनको थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड की तरह बात करें, तो ये चीज़ है यहाँ पे बात हुई थी। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है दे हैव दिस आइडिया दैट दे रिसीव ग्रांट्स बेस्ड ऑन द, तो दे रिसीव ग्रांट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला। ठीक है, तो गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे ग्रांट्स दिए जाते हैं इन स्टेट्स को। तो अगेन इस फॉर्मूला की क्या डेप्थ है इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया। तो अगर हम देखें तो इन द पास्ट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हैज बीन ग्रांटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट्स जिनके पास अगेन जहाँ पे हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, जैसे कि अगेन जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, तो दीज वर द स्टेट्स लाइक दे वर ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सब्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबके पास भी आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अलग सा, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का। हाउएवर अगर हम देखें तो स्पेशल प्रोविजंस जो है वो अवेलेबल है अंडर वेरियस आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 371 ले लीजिए, 371A, 371H, 371J, इस तरह से है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी, यानी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या फिर किसको हेल्पिंग हैंड चाहिए, इस तरह का आइडिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, क्या बेनिफिट्स अलॉट होते हैं, तो पॉजिटिव्स में क्या आ जाता है, तो एक तरह से सेंट्रल असिस्टेंस मिल जाता है, सेंट्रल असिस्टेंस, ठीक है, सेंट्रल असिस्टेंस मिल जाता है। जैसे कि गडकिल मुखर्जी फॉर्मूला जिसकी हमने बात की है उसमें क्या कहा गया था, कि 30% जो टोटल सेंट्रल असिस्टेंस है फॉर द स्टेट्स वो कहाँ जाना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाली स्टेट्स को जाना चाहिए, तो उन्होंने 30% का वो करा था। हाउ योर 14th और 15th फाइनेंस कमीशन आया तो उन्होंने क्या कहा, तो दे लेड टू दिस एलोकेशन बीइंग मर्ज्ड इनटू इंक्रीज्ड डिविजिबल पूल फंड्स फॉर ऑल स्टेट्स राइजिंग टू 41% इन 15th फाइनेंस कमीशन। तो 41% यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड होता है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फंडिंग एस्पेक्ट हो गया, फिर अगेन द आइडिया ऑफ इंसेंटिव कि आपको इस तरह से परफॉर्मेंस करना होगा, तो इंसेंटिव्स का आइडिया हो गया, इंसेंटिव्स, ठीक है, तो इंसेंटिव्स की आप बात कर सकते हैं कि सेवरल इंसेंटिव्स जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कमीशन कंसेशन इन कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज, या फिर इंटरेस्ट रेट्स की हम बात करें ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आए। ठीक है, तो कंसेशंस देते हैं इन टैक्सेस ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ हो, तो ये सब चीजें की जाती हैं। प्लस द आइडिया ऑफ फंडिंग, तो अगेन फंडिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगेन सेंट्रल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कभी 90-10 का रेशियो पे फंडिंग कर देता है, 90% सेंटर दे रहा है, कभी 60-40, तो इस तरह से भी होता है। तो यहाँ पे आ गया
कंसर्न्स क्या है इसके अराउंड, ठीक है, तो कंसर्न्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न क्या है? तो कंसर्न्स, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अराउंड क्या कंसर्न्स हैं उसको भी हमें समझना होगा एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहले तो कंसर्न आ जाता है क्राइटेरिया पे, कि भैया क्राइटेरिया जो है स्टेटस देने का उस पे कंसेंसस नहीं है। मतलब कोई स्टेट कहती है कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई स्टेट कहती है कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, और हमको ये पक्का नहीं पता होता कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू एक्चुअली टॉक अबाउट। तो क्राइटेरिया में अगर देखा जाए तो कंसेंसस नहीं है। जैसे कोई कहता है कि हम बॉर्डरिंग स्टेट है, कोई कहता है जैसे कि झारखंड को नहीं मिला, छत्तीसगढ़ को नहीं मिला, जबकि उसकी परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो ग्रोथ पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो कंसेंसस यहाँ पे नहीं है। कोई कहता है स्ट्रैटेजिक रीजन देखो कि हम बॉर्डरिंग स्टेट है, कोई कहता है हमारा माइनॉरिटी स्टेटस देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन का माइनॉरिटी स्टेटस है वो देखिए, कोई कहता है कि हमारा ग्रोथ पैरामीटर्स पे देखिए, उस पे जज करिए। तो किस क्राइटेरिया पे देना चाहिए? सेकेंड अगर देखा जाए तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अगर देखा जाए तो हम स्पेशल स्टेटस अगर देते हैं तो उस पर कंसर्न्स आ सकते हैं कि इंटर स्टेट डिस्पैरिटी हो रही है। जैसे कि अगेन आप अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप किसी एक स्टेट को स्टेटस दे दे रहे हैं, उसको फेवर कर दिया है, दूसरी स्टेट को नहीं दिया है, उसको फेवर नहीं कर पा रहे हैं आप, जबकि उसमें भी चैलेंजेस हैं। तो कहीं ना कहीं दिस आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज दैट कैन हैपन, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको आप कैसे रैशनलाइज करेंगे? थर्ड अगर देखा जाए तो फिस्कल फिस्कल इनडिसिप्लिन हो सकता है। तो ये एक इकोनॉमी का पॉइंट भी आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे डेट रिलीफ स्कीम्स हम दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं स्टेट्स को कि वो अपनी जो कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड भी स्पेंड कर लें। तो यहाँ पर ये चीज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। दे विल नॉट बी वेरी प्रूडेंट, दे विल नॉट प्रैक्टिस प्रूडेंट प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी। वो लोग तो कहेंगे अरे पैसा तो आ ही रहा है, समझ रहे हैं? तो दैट लेथार्जिक एटीट्यूड दैट कैन हैपन, तो ये वाला क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। तो ये हो जाता है। इसके अलावा फिस्कल से ही रिलेटेड है तो फिस्कल बर्डन। अब जब फिस्कल इनडिसिप्लिन होगा तो फिस्कल बर्डन भी बनेगा। तो फिस्कल बर्डन में अगर देखा जाए तो वो कैसे है, तो यहाँ पे जैसे सेंटर है 90% ऑफ द फंड्स जो है जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो दे दे रहे हैं, एज अगेंस्ट द 60% इन नॉर्मल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर पे फिस्कल बर्डन हमें मिल जाता है। जैसे 90% ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे वो दे देते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेंटर पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बर्डन हो सकता है, तो दैट अगेन इज देयर। और वहीं पे एफआरबीएम एक्ट भी है जिसमें कहा है कि भैया अपना डेफिसिट तो कम करिए, तो उसको कहीं ना कहीं हम वॉलेट कर जाते हैं। तो ये सब भी चीजें डिबेट्स में आपको लानी होंगी। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो वे अहेड, तो बीइंग अ पॉलिसी मेकर यू हैव टू गिव अ वे अहेड। तो वे क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये है कि क्राइटेरिया, पहला ही पॉइंट जो है क्राइटेरिया, उसको थोड़ा सा ठीक करा जाए। तो उसको रिव्यू किया जाए कि किस तरह से करना है, क्या चैलेंजेस है, किस तरह से रिवाइज होना चाहिए। तो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कैसे है, रिसोर्स बेस क्या है, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो डिवाइज अ क्राइटेरिया शुड बी देयर, ठीक है। सेकेंड है कि जो डिपेंडेंसी है, रिड्यूस रिड्यूस डिपेंडेंसी, ठीक है। अब डिपेंडेंसी कैसे, तो स्टेप्स लेने चाहिए कि डिपेंडेंसी जो है ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑन सेंट्रल असिस्टेंस ये कम हो जाए, ताकि हम लोग जो जैसे प्रमोट करें इंडस्ट्री को, वहां पे खुद इंडस्ट्री, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, उनका इकोनॉमी को कैसे आगे करें, तो वो एक मतलब ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए, रादर देन देम बींग डिपेंडेंट ऑन अस ऑन द सेंटर। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड। नेक्स्ट इंटर स्टेट वाले से ही आ जा रहा है, तो इंटर स्टेट कोलैबोरेशन होना चाहिए कि भैया एक साथ मतलब वो लोग कैसे चलें, ये होना चाहिए, आपस में डिस्कशन करो, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो चैलेंजेस है उसी को ही हमने वे फॉरवर्ड बना के
एक कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने बात किया है, तो यहाँ पे ये हो जा सकती है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं कि अगर जैसे अबॉलिश हो जाता है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का स्टेटस, मतलब ये चीज ही क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो क्या होना चाहिए, तो कोर एंड ऑप्शनल स्कीम्स होना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को भी आप कोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को आप दो कैटेगरी में बांट दीजिए, एक होना चाहिए कोर और एक होना चाहिए ऑप्शनल स्कीम्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे कोर स्कीम्स है जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन या सोशल इंक्लूजन के लिए हो गए, जैसे कि अगेन कोर ऑफ द कोर एग्जाम्पल मनरेगा, ये हो गया, तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें फर्स्ट मतलब इसमें फंड्स पहले आने चाहिए, जैसे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को जो सर्व करे। वहीं पे अगर हम देखें तो कुछ जैसे ऑप्शनल स्कीम्स भी हो सकती हैं, तो उसको भी एक तरह से मतलब ये बाइफर्केशन अच्छे से हो कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कोर कर दिया जाए और जो अगेन चल सकता है उसको थोड़ा सा ऑप्शनल भी कर दें, कि स्टेट्स के पास भी एक तरह से वो हो सिलेक्ट करने का आइडिया। तो दैट ऑल्सो इज अ पॉइंट दैट यू कैन इंक्लूड। तो ये हो गया, कैश मैनेजमेंट पॉलिसी होना चाहिए, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड यस दैट्स ऑल दैट यू हैव टू राइट इन दिस, दैट इज इनफ। ठीक है, यू आर ओनली अबाउट टू राइट दोज पॉइंट्स विच आर एक्चुअली क्वालिटी पॉइंट्स, डोंट रन अबाउट मेकिंग एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, गिव दोज पॉइंट्स दैट एक्चुअली क्रिएट्स एन इम्प्रेशन, क्योंकि उतना ही टाइम होता है। ठीक है, और भी अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ जैसे कि हमारे पास आ जाता है क्या कि एमपी और एमएलए के अगेंस्ट जो केसेस है उस पर थोड़ा सा जल्दी करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अगेन कहा है कि कैसे डिस्पोजल होना चाहिए केसेस का, तो दैट इज देयर। तो ये वाला न्यूज हमारा काफी न्यूज में है, तो डिस्पोजल डिस्पोजल ऑफ केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएज। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस दी है टू हाई कोर्ट्स कि कैसे आप अर्ली डिस्पोजल करें इन केसेस का। तो यहाँ पर अगेन एक केस था जो कि सेक्शन 8(3) ऑफ द आरपीए पे था, सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक है, और ये कहता क्या है, ये एक्ट, ये जो सेक्शन है ये कहता है इस एक्ट का कि जो भी पर्सन है कन्विक्टेड है ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन द ऑफेंसेस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years शेल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन। देखिए इस पे हमने पूरा एक YouTube डेडिकेटेड YouTube वीडियो बनाया हुआ है लिली थॉमस केस की पेक्युलैरिटीज को समझाने के लिए, ये एक्चुअली ये सब बातें लिली थॉमस केस में हुई थी, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही उस पर क्लैरिटी मैंने ऑफर किया है जितना भी रिसेंट डिबेट से, क्योंकि ये आएगा क्योंकि राहुल गांधी का भी केस हुआ था रिसेंटली, तो ये न्यूज में है तो ये आ सकता है, तो ये आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें शॉर्ट में बात कर रहा है कि ये सेक्शन इससे रिलेटेड है कि भैया वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा, तो ही और शेल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड, ही और शी शेल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years सिंस हिज रिलीज। ठीक है, इन सब पे क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं ये सारा उस वीडियो में कवर्ड है, बट आइडिया ये है कि अगर 2 साल से ज्यादा आपको कन्विक्शन मिल गया है तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे उस डेट ऑफ जजमेंट से, और 6 साल तक फ्रॉम योर रिलीज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड ओनली। तो ये है ताकि अगेन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कम किया जाए, तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जा रहा है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे कम करें, सो दैट्स द बेसिक आइडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए केसेस का, तो सुओ मोटो केसेस हो सकते हैं तो उनको कैसे आप करेंगे, फिर किस केसेस को कौन हियर करेगा, तो अगेन चीफ जस्टिस लेड स्पेशल बेंचेस होनी चाहिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, पनिशेबल होना चाहिए, तो अगेन
प्रायोरिटी दे दीजिए उनके उन केसेस को जो डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से हो, मतलब एक तरह से एफिशिएंसी, मतलब जल्दी करिए, थोड़ा सा क्रिमिनलाइजेशन को कम करिए, दैट्स द बेसिक आइडिया. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो लिली थॉमस केस हो गया, 2013 का केस है ये, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है 2013 का केस है ये, 2013 का. तो इसके केस को आप जरूर पढ़िएगा. तो लिली थॉमस केस में हो गया, इसी में बेसिकली 2 इयर्स का बात किया गया था कि अगर किसी को, किसी लेजिस्लेटर को 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिल गया है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए. ठीक है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया. यहाँ पे बस आपको सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है हाउ टू एक्चुअली काइंड ऑफ स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि भैया पॉलिटिक्स से क्रिमिनल्स को कैसे हटाएं. लॉ मेकर्स कैन नॉट बी वंस हु आर एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉज, तो प्लीज सिस्टम को ठीक करिए जल्दी से, ऐसा बात किया गया. ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट्स द सिंपल थिंग. इसके अलावा क्वेश्चन और ये एस्पेक्ट आया है जैसे कि फिल्म पायरेसी को रोकना, तो वो सब है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं, ये सब न्यूज में है. तो अगेन ये सब डिबेट्स हैं, इस पे आपको हल्का सा कमांड होना चाहिए कि पायरेसी अगेन इट्स अगेंस्ट एथिक्स, तो एथिक्स को आप कैसे देखेंगे, तो दैट इज द थिंग. तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास लद्दाख की. तो लद्दाख का जो रिसेंटली डिमांड है कि भैया उसको इंक्लूड कर लिया जाए इन 6 शेड्यूल स्टेट्स. तो ये 6 शेड्यूल जो है, अगर ये टॉपिक देखा जाए तो ये मेंस में तो आता ही है, प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू गेट टू सी अ क्वेश्चन फ्रॉम द पेक्यूलैरिटीज ऑफ 6 शेड्यूल. तो इसको हम लोग इस न्यूज़ कवरेज में अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिमांड हो रही है काफ़ी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की लद्दाख में कि भैया इसको, इस स्टेट को अब हम लोग किस में इंक्लूड कर लें, 6 शेड्यूल में. तो अगर देखा जाए तो 2019 में क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट कर दिया गया था 2 यूनियन टेरिटरीज में. एक था यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर विद अ लेजिस्लेचर, और दूसरी थी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख विदाउट अ लेजिस्लेचर. तो यहाँ पे ये चीज 2019 में हुई थी जब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370, उसको हटा दिया गया था. उसके बाद ये चीजें होती हैं, ये सब पे हम लोगों को बात करनी होगी. तो लद्दाख जो कि एक न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी थी, उसमें अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन जो थी 2011 सेंसिस के हिसाब से 2.74 लाख है. लद्दाख का अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 2.74 लाख पीपल आर रिजाइडिंग देयर. तो अगेन इट्स अ स्मॉल प्लेस, इट्स अ स्मॉल एरिया विथ स्मॉल पॉपुलेशन, एंड द आइडिया इज कि वहां पे लेकिन डिमांड जो है वो है विद आइडिया ऑफ रिसोर्सेस, कि लैंड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, रिसोर्सेस को कैसे अच्छे से मतलब वहाँ के लोकल्स के लिए यूज़ किया जाए, एंड वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे बढ़ाया जाए. इस तरह के डिबेट्स हमेशा से इस तरह के कंसर्न्स रहते हैं. तो 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात होती है. तो यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है जिसके पास लेजिस्लेचर होगा, और वहीं पर दूसरा है यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, वुड नॉट लीड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन बींग कम्प्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स. तो यहाँ पर बात यह है कि आपने बाइफर्केट तो कर दिया है, बट क्या आप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर कर सकेंगे, ये क्वेश्चन उठता है. कैन यू इंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन? सो दैट्स अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड बाय द सिविल सोसाइटी. तो यहाँ पर ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा कि क्या बैकड्रॉप है. तो जैसे डोमिसाइल पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर की थी जब वो चेंज हुई, तो इसकी वजह से भाई फियर्स आने लग गए कि भैया क्या कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन हो पाएगी. ये सब क्वेश्चन जो कल्चरल आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो गया, कल्चरल आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन, या डेमोग्राफी का क्वेश्चन हो गया कि वहां के जो लोकल्स हैं क्या उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन किया जा सकता है, किया जाएगा, ये सब क्वेश्चंस हमेशा से रेस होते हुए आए हैं. तो यूनियन टेरिटरी अगर देखा जाए तो इसमें 2 हिल काउंसिल्स हैं, एक है ले और कारगिल, बट नीदर इज अंडर द 6 शेड्यूल. बट
अगेन द डिमांड्स कि यहाँ पे किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कैसे इंक्लूड किया जाए, किस तरीके से एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन किया जाए, डेमोग्राफी, कल्चर आइडेंटिटी, तो ये सब चीज़ों पे हमेशा से बात करी जाती है. तो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, इन्होंने रिकमेंड किया था, दे डिड रिकमेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, दे डिड रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, और कहा था कि ये जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, इसमें अगर देखा जाए तो ट्राइबल रीजन क्या दिया था इन्होंने, तो ट्राइबल एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मोर देन 97%, इससे भी ज्यादा जो लोग हैं दे आर ट्राइब्स. एंड ट्राइब का मतलब है कि अगेन द आइडिया ऑफ वल्नरेबिलिटी, तो वो हमको देखने को मिल रहा है. तो वो चीज़ को कैसे आप उनकी आइडेंटिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, तो वहीं पे इस उनका लैंड, उनका डिस्टिंक्ट कल्चर हेरिटेज, इसको कैसे आप इंश्योर करेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे बात की गई थी. तो यहाँ पर ये चीज़ को, इस डेटा को, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि डेटा आप ज़्यादा मत रटिए, बट हाँ ये जो डेटा है कि क्या डेमोग्राफी है, इसका हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए. तो ये चीज़ हो गया. अब देखा जाए तो नो रीजन आउटसाइड द नॉर्थ ईस्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल. तो अगर देखा जाए तो प्राइमरीली सिक्स शेड्यूल में हमारे क्या है रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट के हैं. ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए जैसे कि मणिपुर, तो इवन इन मणिपुर विच हैज प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन इन सम प्लेसेस, द ऑटोनॉमस काउंसिल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में नहीं है, जबकि यहाँ पे भी ट्राइब का एलिमेंट बहुत ज्यादा है. तो ये सब तरह के क्वेश्चन हमेशा से उठते आए हैं, जैसे कि नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश जो कि कंप्लीटली ट्राइबल है, दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन सिक्स शेड्यूल, ये भी इंक्लूडेड नहीं है. तो वहीं पे यहाँ पे मतलब ये पॉइंट क्या है कि ट्राइबल तो है यहाँ पे 97%, पर हम यहाँ पे अगेन स्टेट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे नागालैंड अरुणाचल प्रदेश विच आर ऑल्सो प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल्स, बट दे आर नॉट बीन इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल. तो ये डिमांड जो है, ये पॉइंटर है, वो कितना स्टैंड कर रहा है, दैट वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन. तो लद्दाख का जो इंक्लूजन है सिक्स शेड्यूल में, वो एक्चुअल में पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से डिफिकल्ट होने वाला है, जैसे कि अभी हमने ये एग्जाम्पल भी लिया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि वल्नरेबिलिटीज को प्रोटेक्ट करिए, तो वो वाला आर्ग्यूमेंट भी आ जाता है. तो ये चीज भी आपको देखना होगा. तो फॉर ट्राइबल एरियाज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वी हैव फिफ्थ शेड्यूल्ड, हाउएवर इट रिमेन्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर वो डिसाइड करती है तो वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, एंड दे कैन इंक्लूड थिंग्स इन सिक्स शेड्यूल एज वेल, दे कैन एक्चुअली हैव दिस आइडिया, बट विल दे डू दैट, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू सी. तो रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन लद्दाख डिमांड. तो वहीं पे हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक कमिटी बैठाई है, और वो कह रहे हैं वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखेंगे कि भैया इंक्लूड करना है कि नहीं है. तो वो लोगों ने पॉइंट्स दिए हैं कि यूनिक कल्चर, यूनिक लैंग्वेज, तो स्ट्रैटेजिक ज्योग्राफी का ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस, स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस कि भैया होना चाहिए. तो क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, कल्चर, यूनिक कल्चर, लैंग्वेज, फिर लैंड को प्रोटेक्ट करना फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करना. अब ये सब पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, आई एम नॉट कंसर्न विद द डिबेट और द डिस्कशन दैट दिस रिपोर्ट हैज गिवन, आई एम कंसर्न विद द जनरल पॉइंट्स दैट वी कैन गैदर, ताकि इस तरह का सिक्स शेड्यूल पे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको लिख सकें. तो इसीलिए ये सब पॉइंट्स मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ. तो अगेन दिस इज द थिंग दैट इज देयर. फिर अगेन लद्दाख, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ऑफ ले एंड कारगिल, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए. तो ये हो गया. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड कैसे हैं, ये सब चीजें आप पॉइंट्स, ये जनरल पॉइंट्स हो गए. अब हम लोग प्रिलिम्स पॉइंटर्स में आ जाते हैं कि सिक्स शेड्यूल, इतनी देर हम सिक्स शेड्यूल की बात करें, तो सिक्स शेड्यूल है क्या, हल्का सा आइडिया हम सबको है, बट एक पेक्यूलैरिटी जो है वो हाँ यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे हमारा कोई पॉइंट गलत ना हो. तो सिक्स शेड्यूल जो है वो पावर देता है, पावर टू ट्राइबल कम्युनिटीज
एडमिनिस्टर करें ट्राइबल एरियाज को इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये चार स्टेट है, इसको AMTM के नाम से हम लोग करते हैं याद। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल को पावर दिया गया है कि वो थोड़ा सा ऑटोनॉमसली काम करें। तो ये प्रोविजंस हैं क्या अंडर द प्रोविजंस, कौन से प्रोविजन? आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल भी पता होना चाहिए, सिक्स शेड्यूल सबको पता है, बट किस आर्टिकल का रेफरेंस है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड 275 क्लॉज 1। अब आर्टिकल 244 में है क्या, 244 में है क्या? तो यहाँ पे स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, जिनको कहा गया है स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। तो अगेन स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आ जाता है। वहीं पे आर्टिकल 275 क्या है, तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात की गई है, जो कि चार्ज कहाँ होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। और ये जो ग्रांट्स हैं वो किस लिए होंगे, ये ग्रांट्स होंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्केड्यूल एरियाज इन द स्टेट। तो अगेन द फंडिंग एस्पेक्ट उसकी भी बात कर ली तो आर्टिकल 275 में है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली हमने 244 में है, फॉर स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो यहां से तो एक टावर आ रही है सिक्स स्केड्यूल में। तो सिक्स स्केड्यूल जो है अंडर आर्टिकल 244, इन्होंने क्या बनाया, तो सिक्स स्केड्यूल अंडर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा था ना आर्टिकल 244, उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने एक फॉर्मुलेशन किया किसका, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की, ADCs की, जिनके पास कुछ कुछ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी विद इन अ स्टेट। तो स्टेट में जो बनी होंगी ये एक तरह की काउंसिल, उनके पास ये पावर्स होंगी ताकि थोड़ा सा ऑटोनॉमिक नॉर्मस तरीके से वो अपने आप ट्राइबल्स को फंक्शन करे। तो अगेन द कल्चरल आइडेंटिटी उनकी मेंटेन हो, इस चीज को हमने इंश्योर किया। तो ये ADCs का फॉर्मुलेशन होगा कैसे, तो ADCs के अंदर जो है वो 30 मेंबर्स, देखिए सिक्स स्केड्यूल पे भी हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे हम रिविजन कर रहे हैं एक तरह से। तो 30 मेंबर्स जो है वो होंगे विद अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स का टर्म। अब ये लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, लैंड पे, फॉरेस्ट पे, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल्स, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज, इन सब में से, ये टाउन लेवल पुलिसिंग कैसे होगी, इनहेरिटेंस कैसे होगा, मैरिज, डिवोर्स, कस्टम्स, माइनिंग, इन सब पे ये रूल्स बनाते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बोल के दिए ना, ये आपके पॉलिटी में कवर होते हैं, और ये इस पे एक PYQ आया हुआ है। तो ये चीजें अगेन द आइडिया ऑफ लोकल गवर्नेंस, ये सब चीजें, ये जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, इन पे ये रूल्स बना सकती हैं। अब इसमें एक्सेप्शन भी हम लोग यहीं पे पढ़ लेंगे। तो एक बोडोलैंड, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ असम, ये एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 40 मेंबर से भी ज्यादा मेंबर्स हैं इस काउंसिल में और इनके पास लॉज बनाने के सब्जेक्ट भी ज्यादा हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि भैया मेंबर्स जो ऑटोनॉमस, नॉर्मली कितने, 30 मेंबर्स, इसमें कितने, 40 से भी ज्यादा है, तो दैट्स देयर। तो सिक्स शेड्यूल जो है वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में है, तो दैट्स देयर। अब एडवांटेज क्या हो जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, अगेन द जेनरिक पॉइंट्स दैट यू हैव टू टॉक अबाउट एडवांटेजेस इन सिक्स शेड्यूल में अगर आप आ जाते हैं, तो आपकी स्टेट अगर आ जाती है, तो सबसे पहले तो यही है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएंगी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही हैं उनके पास ऑटोनॉमी होगी, तो अगेन दैट आइडिया इज देयर। फिर ऑटोनॉमस रीजन्स बन जाएंगे, लेजिस्लेटिव पावर होगी, तो लेजिस्लेटिव पावर होगी, तो ADCs आर एम्पावर टू मेक लेजिस्लेटिव लॉज विद ड्यू अप्रूवल, ADCs विद अप्रूवल फ्रॉम फ्रॉम गवर्नर,
यहाँ पे ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है प्रीलिम्स से कंफ्यूजन ना हो, ताकि फिर लिमिटेशन है टू पावर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड लिमिट्स पार्लियामेंट्री ऑब्लिक स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जो लिमिट्स लगाती है उसको ही लिमिट कर दिया, मतलब कि ऑटोनॉमस रीजन पे वो लोग ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्ट जैसे पार्लियामेंट ने पास किए हैं या स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करे हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ऑन दिस रीजन, अनलेस प्रेजिडेंट एंड द गवर्नर अप्रूवल, अगर वो अप्रूव करेंगे तभी वो अप्लाई होंगे, तो ये चीज है यहाँ पे। फिर जुडिशियल पावर्स हैं, तो ये काउंसिल्स विलेज कोर्ट स्टैब्लिश कर सकती हैं, तो वो आ गया। रेगुलेटरी पावर्स हैं, तो वो कैसे प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरी, मार्केट, ये सब कैसे करना है रेगुलेट, तो ये सब चीजें होंगी। फिर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, तो अगेन दो ये डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल्स हैं, इनके पास है राइट्स की वो असेस कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू, कुछ टैक्सेस ले सकते हैं, ग्रांट्स उनको मिल सकते हैं, ग्रांट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कि वो स्कीम्स वगैरह वो इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। इश्यूज क्या हैं, इश्यूज विद सिक्स शेड्यूल, ठीक है, इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले इश्यू क्या है कि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल है कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देर इज नो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे क्या है, देर इज ओनली वन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच इलेक्ट्स फ्यू पीपल हु एंजॉय अनब्राइडल्ड पावर। तो ये जो है क्या ये पॉपुलेशन का एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रही है, नो डिसेंट्रलाइजेशन, आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन करने का, ऑटोनॉमी देने का, बट क्या हो रहा है, क्योंकि अनब्राइडल्ड पावर यहाँ पे मिल रही है, कोई रोक ही नहीं है इनकी पावर, इतना लेजिस्लेचर भी बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी कर रहे हैं, पर क्या वो फॉर्मूला जो है वो डेमोक्रेटिकली काम कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन नॉट क्रिटिकली से। तो ये एक हो गया। फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट ओवर काउंसिल, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, पावर ऑफ स्टेट ओवर काउंसिल, तो यहाँ पे जो है द लॉज जो कि काउंसिल्स बनाएंगी, लॉज मेड बाय काउंसिल, काउंसिल रिक्वायर, उनको चाहिए असेंट, असेंट ऑफ गवर्नर, और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इसको कितने टाइम पे कंसेंट दे देना है, तो यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, एंड अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हु वुड प्रिवेल, तो इट इज मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स दैट द स्टेट लेजिस्लेचर वुड प्रिवेल, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो ऑटोनॉमी आपने बात तो किया है, बट क्या एक्चुअल में ऑटोनॉमी मिल रही है, तो वो आ जाती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर, तो यहाँ पे जैसे डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर को है विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीस एरियाज, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो कहाँ पे कंसल्टेशन चाहिए गवर्नर का विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये चीज है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कंसेंट चाहिए, उनके हिसाब से चलना है कि नहीं, या गवर्नर खुद से काम करे, क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमने बात किया ना कि वो एक तरह से कस्टमरी लॉ को प्रोवाइड करेंगे, उसको इंश्योर करेंगे, आइडेंटिटी इंश्योर करेंगे, कल्चरल एलिमेंट इंश्योर करेंगे, बट क्या हमारे पास वो कस्टमरी लॉ जो है वो एक्चुअल में कोडिफाइड है, लैक ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ कस्टमरी लॉज, कस्टमरी लॉज जो हैं उनको कोडिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि कल्चरल आइडेंटिटी वो हो पाए, तो वो चीज नहीं है, वो कोडिफाइड नहीं है, तो अगेन दैट लूपहोल दैट एग्जिस्ट, तो वो पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर स्किल प्रोफेशनल है, स्किल प्रोफेशनल्स,
किसी भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल काउंसिल्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द प्रोफेशनल्स की जो हेल्प कर सकें. तो दैट इज अ पॉइंट दैट ऑल्सो यू कैन इंक्लूड. सिक्स्थ क्या है, फाइनेंशियल. फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है. तो ऑटोनॉमस काउंसिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे डिपेंडेंट हैं फॉर द फंड्स कि भैया, या फिर ग्रांट्स जो सेंटर से मिल जाए. देर इज नो स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर रिकमेंडिंग वेज किस तरह से इनको मिलेंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. नो फाइनेंस कमीशन टू एक्चुअली हैव दिस आइडिया ऑफ रिकमेंडेशन. तो जैसा मतलब एक तरह से डिपेंडेंट हो गए, कोई एक फॉर्मूला नहीं है कैसे होना चाहिए. तो वो हो गया. फिर क्या डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है. तो सिक्स शेड्यूल था कि भैया जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही उनको, होए वहीं पे उनको लोकल पीपल को पावर मिले, तो वो चीजें यहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं. ठीक है, तो दे हैव नो पावर एंड मनी विच नॉन सिक्स शेड्यूल एरियाज हैव फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस स्कीम, जैसे मनरेगा वगैरह हो गया. तो इस तरह की स्कीम्स वगैरह यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है, करप्शन हमको देखने को मिल रहा है. करप्शन का पॉइंट आप ले लीजिए, ये तो कॉमन पॉइंट है. तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सोचिए वे फॉरवर्ड क्या है. वे फॉरवर्ड तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्रिएट कर ले हम क्या, इलेक्टेड. क्योंकि हमें डिसेंट्रलाइजेशन अचीव करना, तो एक विलेज काउंसिल हम लोग इलेक्ट कर लें, ताकि अकाउंटेबिलिटी हम लोग उन विलेज काउंसिल्स का इंश्योर कर सकें टू द ग्राम सभा. लोकल पीपल को एक तरह से वॉइस करने का, कंसर्न्स अपने वॉइस करने का पावर मिले, तो ये चीज हम लोग इंश्योर कर सकते हैं. तो दैट इज देयर. फिर रेगुलर इलेक्शंस हों, ये सब चीजें हो गया. फिर वेमेन एंड एथनिक माइनॉरिटीज जो हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, तो वेमेन एंड एथनिक माइनॉरिटीज कि उनको प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए, तो वो पॉइंट आप इंक्लूड कर सके. ट्रांसपेरेंसी लाया जाए. ठीक है, ये बेसिक चीजें तो पूरा करें, तब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. और दिस इज अ टॉपिक विच इज एक्चुअली अ टॉपिक दैट हैज बीन आस्क्ड इन मेंस मल्टीपल टाइम्स, विच विल बी आस्क्ड इन मेंस मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम नाउ ऑल्सो. एंड इट्स अ टॉपिक जो प्रीलिम्स में आता ही आता है. तो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है. अच्छे से आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और इसमें कोई भी डाउट होता है आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.